कटिहार के बरारी प्रखंड के रौनिया पंचायत में वार्ड संघ की बैठक आहूत की गई। बैठक में वार्ड सदस्य हेमंत चौहान के निजी आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में बैठक में सर्वसम्मति के वार्ड संघ के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया गया। बैठक की अध्यक्षता रौनिया पंचायत के मुखिया कौशल यादव ने किया, जबकि मंच संचालन पूर्व उप प्रमुख राजीव कुमार भारती ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निवर्तमान MLC अशोक अग्रवाल एवं बरारी विधायक विजय सिंह व प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद इलियास मौजूद रहे। नासिर जी सिसिया आप भी आ जाए, ऐसी पली जी दुर्गा पूरा आप भी आ जाए। जोरदार तालियों से हमारे नव निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ साथ आज आपके संघ का चुनाव हुआ है उसके नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जोरदार तालियों से उनका हौसला अफजाई हूँ। उधर थोड़ा देखिए यार, बाहर नहीं कीजिए, ठीक है। अब हम आग्रह करेंगे हमारे वार्ड नंबर 6 के बरारी प्रखंड के नव निर्वाचित अध्यक्ष रौनिया पंचायती अतिथियों का, विधान पार्षद महोदय, माननीय विधायक महोदय और माननीय मुखिया जी का इधर देखिएगा, इधर देखिएगा सर, प्राप्त करें जोरदार तालियों से माननीय अध्यक्ष जी का हौसला अफजाई हो। विधायक सर इधर। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ हमारे मुखिया जी श्री कौशल किशोर यादव जी का विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपके नेतृत्व में आपके पंचायत में आपने वार्ड मेंबर संघ का अध्यक्ष का चयन किया है, बनाया है, बनवाया है। आपके स्त्री प्यार के लिए विशेष आपका बार एक बार जोरदार तालियों माननीय मुखिया जी के लिए कृपया माननीय अतिथि। हम आग्रह करेंगे हमारे उपाध्यक्ष मोहम्मद पप्पू जी से, आप गलत आपका लिखा है। हम आग्रह करेंगे तो फिलहाल मैं आपको आलमगीर बता रहा हूँ। मंडल के 21 पंचायत के वार्ड सदस्य यहाँ उपस्थित हुए थे। मुखिया जी वार्ड सदस्य संघ का चुनाव हुआ। हेमंत कुमार चौहान को वार्ड सदस्य संघ का बरारी का निवासी घोषित किया गया है और वार्ड सदस्य जितने भी हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए और लगातार अपने संगठन के माध्यम से जो भी अपने वार्ड का काम है उसका वार्ड का काम सुचारू रूप से चले, कहीं कोई कठिनाई नहीं हो उसके लिए एक संगठन बनाए हैं लोग। कहीं कोई दिक्कत होगी संगठन के माध्यम से हम लोग अपनी फरियाद को रखने का काम करेंगे और हम आज के निर्वाचित सभी सदस्य को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अपने अपना संगठन का निर्माण किया और अच्छे से काम सरकारी जितने भी कार्य हैं अपने वार्ड में करवाने का काम करेंगे। आने वाले चुनाव में क्या वार्ड सदस्य करेंगे? वार्ड सदस्य लोग अपना काम अच्छे ढंग से करें, क्योंकि वार्ड सदस्य 5 साल के निर्वाचित हुए हैं। अपने अपने वार्ड की समस्या है, समस्या में कई कठिनाई आती है तो हम और माननीय विधायक विजय सिंह जी हैं इनके समाधान करेंगे जिससे ये वार्ड का विकास हो। ये जो कार्यक्रम था ये हम लोग 21 बरारी प्रखंड के 21 पंचायत से वार्ड सदस्य इकट्ठा हुए और हम लोगों ने मिल के एक संगठन बनाया जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और उप कोषाध्यक्ष का चयन किया गया। साथ ही हर प्रत्येक पंचायत से दो दो सदस्य को चयन किया गया और हम लोग एक तरह से अपने संगठन का निर्माण अध्यक्ष के रूप में हमको मनोनीत किया गया हेमंत कुमार चौहान। मेरा नाम हेमंत कुमार चौहान। अध्यक्ष बनने के बाद आप अपने क्या क्या कार्य करना चाहते हैं लोगों के साथ में, वार्ड सदस्य के साथ में? सबसे पहले तो सभी वार्ड सदस्य को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी वार्ड सदस्य का कि सभी लोग हमारे ऊपर विश्वास जताए और मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले समय में उनकी हक हुकूमत के लिए जहाँ तक होगा वहाँ तक आवाज़ उठाने का, उनके हक हुकूमत के लिए लड़ने का काम करेंगे। हेमंत कुमार चौहान, वार्ड सदस्य रौनिया 13, सह वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष। आज वार्ड सदस्य संघ का एक बैठक हुई थी जिसमें संघ का गठन किया गया है
और उसमें आमंत्रित हमारे MLA साहब विधायक जी और MLC साहब अशोक अग्रवाल जी और अन्य पदाधिकारी भी आए और हमारे प्रखंड से सभी पंचायत के सदस्यगण लगभग पहुँचे। यह गठन संपन्न हुआ जिसमें अध्यक्ष हेमंत कुमार चौहान जी को बनाया गया, बाकी सचिव उपाध्यक्ष के रूप में आप हैं जी। उपाध्यक्ष मैं मोहम्मद समाइल नबी, पूर्व उप मुखिया सिसिया से हमको बनाया गया है उपाध्यक्ष। और हमारा प्रयत्न रहेगा हम सभी सदस्य भाइयों का, हमारे संगठन से उनका हद तक प्रयत्न करेंगे उनका हक की लड़ाई के लिए। जो भी उनको प्रारित किया जाएगा उनमें हम लोग का सहयोग रहेगा, उन वैसे लोगों से लड़ना। और MLC साहब से मदद।